हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। तो आज के जीके के सवाल, आज के जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कुछ छोटी क्लासों के लिए स्पेशली हैं, और साथ में आपको मैं ऑप्शंस भी दूंगा जिसमें से ऑप्शंस आप उसको फिलअप करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, जिससे कि आपको पता चले कि चारों क्वेश्चन में से जो ऑप्शन है कौन से सही है। और क्वेश्चन थोड़े ईजी भी हैं, तो मे बी जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो उसको थोड़ा सा कमेंट जरूर करें कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है। और बाकी आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो जिससे कि आप लोग अपने आप को रेटिंग कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, जी हाँ पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, मतलब पृथ्वी पर दिन और रात किस वजह से होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। प्लीज आंसर पता हो तो इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन नंबर टू, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये तो मोस्टली कई बार इसको लोग पूछा भी गया आप लोगों से, तो मे बी आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो मैं उसको ऑप्शंस बता रहा हूँ, और जिसको आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जरूर। पहला ए, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी शुक्र। आज का तीसरा सवाल, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। क्वेश्चन नंबर चार, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर एंड ऑप्शन डी कोई दूसरा मतलब अन्य। क्वेश्चन नंबर फाइव, पृथ्वी का सबसे भीतर बाहला भाग क्रोड किसका बना होता है। ये बहुत ही काफी अच्छा है, मतलब कि पृथ्वी का जो सबसे भीतर जो क्रोड होता है जिससे आकर्षण बना रहता है वो किस चीज का बना होता है। ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है। जी हाँ, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी चीन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी एंड ऑप्शन डी याकोहामा। एंड क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी व्योमश चंद्र बनर्जी। एंड क्वेश्चन नंबर टेन, आज का आखिरी क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मथाई एंड ऑप्शन डी अन्य। आई होप आप लोगों को इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो मे बी आप लोग अपने आप को रेटिंग जरूर करें कि आपको कि इनमें से कितने आंसर आपके सही हैं और आपके कितने नंबर आए। तो क्वेश्चन एक, पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए सही उत्तर है हमारा, दैनिक गति के कारण। क्वेश्चन दो था हमारा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जी हाँ, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए बृहस्पति। जी हाँ, ऑप्शन ए बृहस्पति। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। जी हाँ, सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध, ऑप्शन सी इट इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर फोर, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। जी हाँ, इसका आंसर है हिंद महासागर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। जी हाँ, लोहा और निकेल का बना होता है, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है। जी हाँ, प्रथम देश है ऑप्शन बी रूसी संघ। जी हाँ, ऑप्शन बी रूसी संघ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जैसे कि ऐसी रेगुलर कंटेंट जीके के आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, जिससे कि आपके जनरल नॉलेज पे इफेक्ट पड़े और आपकी जनरल नॉलेज बहुत ही तेजी से बढ़ जाए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, ऑप्शन सी अमेरिका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर,
इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जी हाँ, ऑप्शन ए ओसाका को। एंड क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेएन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक जी ने। एंड क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? जी हाँ, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और मे बी आप लोग अपने आप को रेटिंग भी कर रहे होंगे कि आपको कितने मार्क्स आए। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें। अब हम मिलते हैं किसी दिन अगली क्लास में अगले जीके की क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।